लेकिन ट्राइडेंट है इनके पास। फोन लाइन पे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे ताकि और डिटेल्स ले सके कि इनका नज़रिया क्या होगा इसमें। लेकिन फिलहाल जो जानकारी दिखाई दे रही है, इन्होंने ट्राइडेंट का जो शेयर है वो 20 के भाव पे लिया हुआ है। क्या विराट हमारे साथ आ गए हैं फोन लाइन पे? चलिए राजेश, आपके पास आऊंगी मैं। देखिए, खरीदी भाव तो 20 का है तो हाँ ऑलरेडी प्रॉफिट में है, और रिसेंट लास्ट फ्यू मंथ्स का अगर ट्रेंड देखे तो स्टॉक काफी रेंज बाउंड है, कोई भी मेजर ट्रैक्शन नहीं है। तो सलाह होगी कि स्टॉक में से प्रॉफिट बुक कीजिए, क्योंकि कोई वॉल्यूम्स भी जब देखेंगे तो काफी ड्राई डाउन है, तो बेटर है इसमें से एग्जिट करें और दूसरे जो अच्छे मिड कैप्स है उसमें वो एंटर कर सकते हो। से अतुल जी नमस्कार, नमस्कार सर। बताइए सर। सर मेरे पास ट्राइडेंट की 1,000 शेयर हैं 45 रुपए के भाव में, तो उसको अभी होल्ड करना है या ट्रेडिंग करना 45 रुपये में लिया, उतने पे चल रहा, कब लिया ये? है? ये सर अभी 2 दिन 3 दिन ही हुए हैं, पर अभी नीचे भी गिर गया था मार्केट जब, तो बहुत नीचे आ गया था वो, अरे आपका तो वहीं पे लगभग बना हुआ है, 22 पैसे के जो नुकसान हो रहा है। तो वही तो पूछ रहा हूँ सर, इसको होल्ड करें कि बाहर आ जाए? सरवन जी क्या करें, निकल लें क्या या बने रहें इसमें? देखिए ताजा ताजा इन्होंने ट्रेड लिया है और पैटर्न भी शॉर्ट टर्म में, अब शॉर्ट टर्म में जिस तरह इनकी जिनकी जो राय बन रही है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, तो आई थिंक मैं तो यही बोलूंगा, आपने ताजा ताजा ट्रेड लिया है, पैटर्न्स आपके सपोर्टिव हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट 15 दिन के लिए पैटर्न्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो नेक्स्ट 15 दिन तक ट्रेड में बने रहे, और क्योंकि आपका ये एक ट्रेडिंग बेट है, इसमें आपको एक स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट लगाना ही पड़ेगा, वो आप लगाइए 40 रुपए के नीचे, आई थिंक 3980 के आसपास आप एक स्टॉप लॉस लगा के आई थिंक ट्रेड में बने रहे फिलहाल 15 दिन।